ट्राई ने जो डीटीएच का नया नियम लाया है, इससे उपभोक्ताओं में एक असमंजस की स्थिति बन गई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या यह सस्ता पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, क्या होने वाला है, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 184 रुपए से लेकर 400 रुपए तक में अपने डीटीएच पैक को चुन सकते हैं और उन सभी चैनलों का लुत्फ उठा सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये है सजेस्टिव पैकेज है जिसमें कि 100 एसडी चैनल हमें देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली ये हिंदी स्पीकिंग मार्केट के लिए है, जिसपे कि अगर हम इन सारे चैनल्स को लेते हैं तो हमारा नेट इफेक्टिव प्राइस जो आएगा वो 331 रुपये आएगा सारे टैक्सेस वगैरह को मिला के, अगर सारे टैक्सेस वगैरह को मिला के, अगर इसमें डीटीएच ऑपरेटर अगर कुछ लंबे पैक्स लेने पर अगर कुछ डिस्काउंट देते हैं तो ये और कम हो जाएगा। तो इसका हमने कैलकुलेशन कैसे किया है कि हमने इसमें पेड जो है चैनल 68 लिए हैं, फ्री टू एयर चैनल 7 लिए हैं और जो दूरदर्शन के चैनल है वो तो हमें 25 लेना ही है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है कि हमने पहले जो मेन जो हमारे ब्रॉडकास्टर हैं जैसे स्टार, जी, सोनी, कलर्स और टीवी नेटवर्क न्यूज़ के जो चैनल्स हैं, उन सबों का जो कंपनी ने जो बुके दिया है वो पूरा बुके ले लिया है। जैसे कि हमने स्टार का बुके ले लिया जिसमें स्टार प्लस, स्टार भारत, गोल्ड, स्पोर्ट्स के 1 2 3, नेट जियो, ये सब नेशनल ज्योग्राफिक आएंगे। इसके टोटल 12 चैनल है, प्राइस 49 रुपये है। तो इस पूरे इन सारे पैकेज को अगर हम लेते हैं तो हमारे टोटल जो चैनल्स होंगे वो 68 होंगे, यानी कि हमारे जो हैं 68 पेड चैनल होंगे जिनका कि कॉस्ट हम अगर देखते हैं तो 151 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि डीडी के सारे वो 25 फ्री चैनल है जो हमें मैंडेटरी है कि लेने ही हैं। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे 7 चैनल जो हैं वो फ्री टू एयर लिए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं, जैसे 9XM, बी फॉर यू म्यूजिक, इंडिया टीवी, एबीपी, आस्था, दंगल और बी फॉर यू मूवीज। तो अब अगर हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इस प्लान में डीडी के 25 चैनल फ्री टू एयर के साथ, पेड एसडी चैनल 68, तो टोटल हमारे चैनल हो गए 100। तो अब आप देखिए टोटल 100 चैनल हो गए हैं। डीडी के लिए हमें कोई पैसा नहीं देने हैं, फ्री टू एयर के लिए कोई नहीं देने हैं, लेकिन हमने जो 68 एसडी चैनल लिए हैं पेड वाले उसके 151 रुपये होंगे और हम जानते हैं कि हमें 130 रुपीज़ नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी देनी ही पड़ेगी पर मंथ, जो कि आपके अप टू 100 चैनल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। उससे ज़्यादा चैनल लेने पर आपको हर 25 चैनल पर 20 रुपये देने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करें तो 151 और 130 281 रुपीज़ हुआ और इस पर हम GST अगर लेते हैं तो ये 331 रुपये आता है। तो एक कॉमन उपभोक्ता को अगर वो इन सारे चैनल्स का इस्तेमाल करता है तो 331 रुपये लगाने पड़ेंगे पर मंथ इन सारे चैनल्स को देखने के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, इसमें कोई भी HD चैनल शामिल नहीं है। अब अगर हम दूसरा पैकेज देखते हैं 100 SD चैनल्स के लिए हिंदी स्पीकिंग मार्केट में, तो जिसकी प्राइस टैक्स वगैरह लेके 334 रुपये आएगी। इसमें आपको पेड के स्टैंडर्ड डेफिनेशन के 55 चैनल होंगे, फ्री टू एयर चैनल 20 होंगे और जो डीडी के चैनल हैं वो 25 होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्री टू एयर चैनल कुछ कम कर दिया है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टार का पूरा बुके ले लेंगे जो स्टार ने अपना निकाला है 49 रुपीज़ का, वो जी का बुके हम ले लेंगे पूरा जिसमें 24 चैनल आएंगे 45 रुपये में, सोनी का बुके ले लेंगे हम पूरा 31 रुपीज़ में, कलर्स ही हम फ्रिक्वेंटली देखते हैं तो हम कलर्स का एक चैनल लेंगे 19 रुपये में, कार्टून नेटवर्क और पोगे का बुकेट हम ले लेंगे बच्चों के लिए 4 रुपये 25 पैसे में, और NDTV का जो बुके है जिसमें NDTV 24x7, NDTV इंडिया, इस तरह के न्यूज़ के जो आएंगे वो ले लेंगे, और आज तक इंडिया टुडे और तेज वगैरह देखने के लिए हम 1 रुपये में वो ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे टोटल 55 चैनल हो जाएंगे जिसकी कि MRP हमें 153 रुपये आएगी। सीट के नीचे आप देख सकते हैं ये DD के वो सारे 25 चैनल हैं जो हमें लेने ही लेने हैं। और उसके बाद हमने फ्री टू एयर चैनल बढ़ा लिया है और इसमें आप देखिए 9XM, बी फॉर यू म्यूजिक, मस्ती, ABP न्यूज़, इंडिया न्यूज़, इंडिया TV, न्यूज़ 24, रिपब्लिक TV, आस्था, भजन, अध्यात्म, दबंग, तो इसमें हमने काफ़ी सारा कॉम्बिनेशन ले लिया है। तो यहाँ पे हम इसके कॉस्ट को देखते हैं तो टोटल इसका कॉस्ट हमें आता है 283 रुपीज़ और GST वगैरह लगाकर ये 334 रुपीज़ आता है। अब चलिए आपको एक और कॉम्बिनेशन दिखाते हैं जिसमें कि आप अगर मंथ में
350 प्लस खर्च करना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए हो सकता है। इस प्लान में आपको अभी जो भी चैनल देख रहे हैं आप देखिए, इस प्लान में आपको स्टार प्लस, स्टार भारत, स्टार उत्सव, स्टार गोल्ड मूवीज, ओके स्टार उत्सव मूवी मतलब स्टार के सारे पैकेज, उसके बाद बच्चों के लिए आपके किड्स के लिए डिज्नी, डिज्नी XD, हंगामा, ये सब कार्टून नेटवर्क वगैरह, न्यूज़ के लिए आज तक और तेज, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, ये सब, कलर्स के सारे चैनल, न्यूज़ 18 के सारे चैनल, किड्स के कुछ चैनल्स, उसके बाद आपको यहाँ पे सोनी के सारे चैनल्स, जी के सारे चैनल, अगर इन सबको हम ले लेते हैं तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा 321 रुपीज़ आएगा, जिसमें कि GST नहीं है, मतलब इसमें आपको 18% आपको और देना पड़ेगा, मतलब 50 रुपया के आसपास आपका और भी बढ़ जाएगा। कम खर्च करना चाहते हैं तो आप देखिए, आपके लिए एक पैकेज है जिसमें कि आपको 184 रुपया ही देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको क्या होगा कि DD के तो 25 चैनल मिलेंगे, पे चैनल से 25 होंगे और फ्री टू एयर चैनल 50 होंगे। अब ये पे चैनल कौन कौन से 25 होंगे इसमें देखिए, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो ज़्यादा कोई भी वैसा चैनल नहीं है जो हम लोग फ्रीक्वेंटली देखते हैं, मतलब जैसे स्टार प्लस इस तरह के चैनल नहीं हैं आप इस, तो ये उनके लिए ये प्लान है जो कि जस्ट TV कभी कभार देखते हैं और उनका कोई ऐसा विशेष इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे जी चाहिए या स्टार प्लस चाहिए या स्पोर्ट्स चाहिए, तो उनके लिए ये प्लान 184 रुपये वाला काफ़ी बेटर है। उसी तरह से एक और प्लान है 194 रुपया इसमें देना पड़ता है, इसमें आप देख सकते हैं पे चैनल 25 हैं, बस इसमें हमने पे चैनल कुछ कुछ चेंज कर दिए हैं, जैसे कार्टून्स बच्चों के लिए डाल दिए हैं और मूवीज़ के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है स्टार मूवीज़, ओके स्टार उत्सव, स्टार भारत एक ले लिया है चैनल, तो इस तरह से करके ये 194 में ये सारे पैकेज आपको मिल जाएंगे। एक और सजेस्टिव पैक हो सकता है जिसमें कि पे चैनल हम 27 लेंगे, फ्री टू एयर 48 और DD चैनल 25 लेंगे, तो ये 199 मतलब 200 रुपीज़ में ये आपका आ जाएगा, जिसमें कि आप देखें तो सारे नॉर्मल चैनल हैं, उतने भी कोई सारे 19 रुपये वाले और बड़े बड़े जो चैनल हैं वो सारे चैनल नहीं हैं, बट नॉर्मल सारे चैनल इसमें डाले गए हैं छोटे छोटे चुन के, तो 200 में भी आप ये सारे चैनल्स को देख सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेंस करना चाहते हैं तो एक इससे मिलता जुलता ही प्लान 198 में, जिसमें कुछ चैनल्स हमने इसमें आगे पीछे कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ये सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में ये फाइल डाल दूंगा, आप इसको इजीली आप देख पाएंगे कौन से चैनल हैं, क्या है क्या नहीं है। उसी तरह से देखिए एक और 211 रुपये का है, जिसमें पे चैनल हमने 42 लिए हैं, और ये देख लीजिए कि कौन कौन से चैनल है, जो सस्ते सस्ते चैनल है 1-2 रुपये वाले वो सारे चैनल सेलेक्ट किए गए हैं, और इस तरह से ये आपका 211 रुपये में ये पैक आ जाएगा। फिर अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो 260 रुपये में आप देखिए यहाँ पे सोनी, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स, कलर्स, GTV, इस तरह के जो मेजर मेजर है, हमने बुके नहीं लिया है, जो मेजर मेजर चैनल्स हैं उन चैनल को शामिल किया है, और इधर हमने इधर फ्री टू एयर चैनल में ये सारे चैनल इधर ले लिए हैं, और इसका अगर हम देखते हैं तो टोटल 260 रुपीज़ आता है, तो ये भी एक गुड चॉइस हो सकती है अगर हम चैनल्स के क्वांटिटी पर ना जाएं बट फ्रीक्वेंटली यूज्ड चैनल देखें, तो ये भी एक हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है। और अगर हम इससे भी ज़्यादा लगाना चाहते हैं, 275 खर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर GTV, GN, मोल सिनेमा, जिंग, जी न्यूज़, सोनी के कुछ बुके ले लिए हैं, स्टार उत्सव, स्टार प्लस ये हम ले लिए हैं, कलर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो कलर्स ले लिए हैं, अगर इस तरह करके एक पैकेज बनाया है जो 275 रुपीज़ में ये सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, तो आप इस फाइल को, इस फाइल के सारे सीट को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम अपना चैनल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और एक 299 का भी है जिसमें कि हमने GTV को रखा है, स्टार प्लस, कलर्स, सोनी मैक्स, ये सारे चैनल्स को रखे हैं जो काफ़ी कॉस्टली हैं, सोनी 6 भी है, कार्टून नेटवर्क भी है, तो इस तरह का ये इसका एक बुके बनाया है, तो ये 299 में आता है। और 300 प्लस का मैं पैक आपको बता ही चुका हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने देखा होगा कि कैसे आप 184 रुपये से लेकर 400 रुपये तक में SD चैनल वाले अपने पैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं और किस तरह से आप पैक का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप सारे पैकेज को लेके चलेंगे तो ये आपको अराउंड 330 रुपीज पर मंथ तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप सारे चैनल लेते हैं इन जनरल। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस पर सोचेंगे और उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके लिए यकीनन थोड़ा कम पड़ सकता है इसका प्राइस जो भी है।
तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी अगर आपके पास कोई और सजेशन हो, सुझाव हो, तो वो भी हमें बताइएगा। और मैं सारा जो मैंने इसमें प्राइस लिस्ट आपको बताया है और जो चैनल का सिलेक्शन बताया है, उसकी सारी जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप वहां से उस पूरी सीट को ऑब्जर्व कर लेंगे और आप इजिली देख सकते हैं कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।